अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली फूड्स विद ज़ेब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर पैटी, बहुत ही मज़े के और जूसी। तो ये मैं डालूंगी इसमें, मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या मैं इसमें ऐड करूंगी, और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बिल्कुल ऐसा आपको टेस्ट लगेगा जैसे आपने बाहर से मंगा के बर्गर खाए हैं। तो चलिए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये खुश मसाले हैं हमारे जो हम इसमें डाल रहे हैं। ये मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ली है बस मैंने ज़रा सी टेस्ट के लिए, वरना इसमें ज़्यादातर कुटी हुई लाल मिर्चों का काम होता है। तो ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है भुना हुआ, और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 2 टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टी स्पून मैंने गर्म मसाला पिसा हुआ लिया है, और हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर निकलेगा अजवाइन का। और ये 2 टेबल स्पून भर के मैंने साबुत धनिया लिया है। ये हम खुश मसाले में इसके अंदर डालेंगे। कीमा जो है तकरीबन हमारा 1 किलो है, और हमने बहुत अच्छा सा इसको खुश करके और फिर पीस लिया था, घर में ही पीसा है चॉपर के अंदर, हमने बाहर से इसका कीमा नहीं करवाया है। ये मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून मैंने हल्के हल्के लेवल के लहसुन लिया है, और 2 ही टेबल स्पून मैंने अदरक ली है, क्योंकि दायरा बीफ का कीमा है तो ज़रा अच्छा इसको हमें हाजिम बनाना है, ताकि ये अदरक जो है आपको पता है हाजमे के लिए अच्छी होती है। और ये मैं डालूंगी इसमें 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जो बारीक कट कर ली हैं रफली चॉप, और ये इसमें मैंने प्याज ली है तकरीबन, ये मैंने ली है 250 ग्राम यानी 1 पाव, और इसको बहुत अच्छा सा चॉप करके आप देख रहे होंगे मैंने इसका बिल्कुल जो नमी थी यानी पानी था वो खुश्क कर लिया है हाथों से निचोड़ के। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, ताकि ये है कि कीमा हमारा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। ये सब हम चीज़ें ऐड करके और अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये एक अंडा ले रही हूँ मैं, इससे भी बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी कबाबों की। ये एक अंडा डाल के और हम खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये हरा धनिया पुदीना लिया है मैंने, तकरीबन आधी गड्डी हरे धनिया की है और आधी गड्डी पुदीने की है। तो ये मैं इस पर डाल रही हूँ, बस ये सब डाल के फिर इसमें मैं मिक्स करके और आखिर में जो चीज़ डालूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। ये है सूखा आटा, ये तकरीबन आधी प्याली सूखा आटा है। इससे जो है हमारे पैटी जो है बहुत अच्छे यानी बाइंड होंगे, बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, और ये बहुत अच्छी बाइंडिंग करेगा। चलिए मैं अच्छा सा मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। मसाले आप देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और बस अब हम इसमें डालेंगे आटा। और ये आटा फिर मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा रहता है इसके अंदर डालना। चपली कबाब अगर हो तो हम मकई का आटा डालते हैं, लेकिन अगर हम बर्गर के पैटी बना रहे हैं तो हम इसमें ये नॉर्मल आटा डालेंगे, तो इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी और जूसीपन रहेगा इससे। बस मैं आपको मिक्स करके फिर इसकी पैटी बना के दिखाती हूँ। ये देखें मिक्स हो चुका है, अब आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी फ्रिज में रख के, फिर हम इसके पैटी बनाएंगे। चलें जब तक हम रेस्ट देते हैं, आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, ताकि ये कि उनको भी इसी तरह अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज देखने को मिले। तो मैं इसको रेस्ट देती हूँ, चलें फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए देखिए मैंने रेस्ट भी दे लिया और बहुत अच्छा सा इसको गूंद भी लिया था, ताकि बहुत अच्छा इसमें आप देख रहे होंगे लेस सा आने लगता है, इसको इतना गूंदना होता है, ताकि ये कि बहुत अच्छे से हमारे पैटी बने, बिखरे बिखरे नहीं बने। बस अब हम इसके पैटी बनाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी तरीका कि देखें इस तरीके से गोल बॉल लेंगे हम, और जितना भी साइज आपको बनाना हो, अगर मोटा मोटा सा बनाना है या छोटा बनाना है, ये साइज आपके ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि आप जिस साइज के बनाना चाहें। लेकिन जाहिर है बर्गर के पैटी जरा मोटे ही अच्छे लगते हैं, ताकि बर्गर में महसूस हो के कुछ मुंह में आ रहा है तो। और ये बहुत अच्छे झटपट बनने वाली रेसिपी, आपने देखा मैंने कितनी जल्दी कीमे में सारे मसाले डाल के मिक्स कर लिया। चलिए देखे एक मैं बना चुकी हूँ, और ये मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पैटी लग रहा है जब आप तलेंगे, तो ये बिल्कुल भी ना टूटेगा ना बिखरेगा। और ये बच्चों के लंच में दीजिए आप, या अगर आप फ्रीज करना करके रखना चाहते हैं तो ये आपके आराम से 2 से 3 महीने चल सकते हैं। फ्रीज करके आप एयर टाइट जार में रखिए और लंच में दीजिए, या वैसे जब भी कभी हो आप साइड डिश के तौर पर बनाइए बर्गर और अपने मेहमानों को खिलाइए, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आने वाला है। ये देखें बस अब इसको आपने बस ऐसी बॉल लेनी है बड़े से कोफ्ते के साइज की, और इसको बस इस तरीके से यूं करके जब आप बनाएंगे, थोड़ा सा हाथ पे पानी लगाएंगे और जब ये करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताना भूल गई कि मैंने इसमें तकरीबन ये हमारा 1 किलो कीमा है, तो मैंने 100 ग्राम इसमें फैट भी लिया है, क्योंकि ये फैट के साथ बहुत मजे के बनते हैं। अगर आप फैट नहीं लें तो इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, उससे भी रिजल्ट आएगा, लेकिन फैट से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत जूसी और क्रिस्पी बनेंगे आपके ये पैटी।
देखिए हमने फ्राई पैन में रख दिया है ऑयल और कबाब भी उसमें डाल दिए हैं। बस अच्छे से जब एक दफ़ा ये नीचे से गोल्डन हो जाएंगे फिर हम इनको पलटेंगे। देखिए हमने टर्न कर दिया है, गोल्डन होने शुरू हो गए थे और बस ये ज़ाहिर है कच्चे कीमे के हैं तो ज़रा अच्छे से हमें इनको पकाना पड़ेगा। फिर ये ज़रा और हो जाते हैं पीछे से भी तो मैं फिर इनको निकालूंगी। चलिए फिर हम एक आध और फ्राई करके आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। चलिए हमारी बर्गर पैटी रेडी हो चुके हैं और आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से इनका कलर, इनका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोग ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ये देखें कितने जूसी और सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी यानी नरम से। और आप यकीनन बर्गर पैटी के जब बर्गर बनाएंगे तो उसके अंदर ज़रूर इसको एंजॉय करने वाले हैं। और मुझे फिर कहूँगी कि मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इंशाल्लाह इसी तरह मिलूंगी किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।